देसी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन अंबेडकर चौक पर किया गया, जहां पर नौनागिर खोरई जिला सागर के घटनाक्रम को लेकर के न्याय की गुहार लगाई गई। तो वहीं इस मामले पर जहां पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया, तो वहीं एक ज्ञापन सौंपते हुए इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा गया। रिपोर्ट ACN न्यूज। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुरैशी जी, मुकेश प्रिय जी और हमारे सभी साथी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समस्त नागरिक, इस सरकार में लगातार कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। वर्तमान में अभी एक जीता जागता उदाहरण ग्राम बरोदिया खुरई का एक छोटा सा गांव है, जहां पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। विरोध करने पर महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से जहाँ धरना प्रदर्शन है और मैं इसका जिलाध्यक्ष हूँ, दमोह में आज मुख्य अस्पताल चौराहे पे धरना किया हमने SC समाज को लेके। जो अभी पूर्व में घटना हुई है रक्षाबंधन के पहले, मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहनों को, हम बहन को रक्षाबंधन पर राखी बनवा रहे हैं और उनको 2000 रुपये दे रहे हैं, उनकी रक्षा करेंगे। उनके जैसा झूठे वादे हैं, क्योंकि उनके नेता के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर दलित परिवार के संगे जो हत्या की गई है 2019 में, बच्ची के साथ जो बलात्कार किया था, उसके लिए वो लोग वहाँ राजीनामा का दबाव बना रहे थे। राजीनामा के लिए उस परिवार ने मना कर दिया, तो उस भाई के लिए उनने बस स्टैंड पे जो हत्या की गई है और उसकी माँ को बिगड़ कपड़ों को उतार के शहर में जो घुमाया गया है, इसको लेके हम लोग भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं, भूपेंद्र जी का पुतला जला रहे हैं। वो वर्तमान में वो जो अपराधी है वो भूपेंद्र सिंह का प्रतिनिधि है वहाँ का, और हम लोग सब यहाँ पे करते थे कि भूपेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति वर्ग और आदिवासी वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
मामा एक तरफ कहते हैं कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश इन आदिवासी और दलित वर्ग पर अत्याचार में एक नंबर है, महिलाओं पर अत्याचार में एक नंबर पर है। इस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अभी जो घटनाएं आई हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग की व्यक्ति पर मूत्र विसर्जन की बात हो, चाहे अभी सागर की सागर में एक व्यक्ति की सिर्फ अपनी बहन की इज्जत बचाने के प्रयास में हत्या हो, उनकी मां को निर्वस्त करने का प्रयास हो, उस तरीके की घटनाओं ने पूरे मध्य प्रदेश को सर्वसार करके रखा है। और इसी बात को लेकर कि ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो, अत्याचार बंद हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मांग को लेकर ये धरना अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा आयोजित किया गया।